राम राम साहब, मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम पाव भाजी बनाने जा रहे हैं, मुंबई स्टाइल पाव भाजी। यस, मुंबई में पाव भाजी बहुत ही फेमस है एंड इट्स जस्ट काइंड ऑफ दैट। उसमें जो भी मैंने वेजेस मिलाई है वो मैंने लाइक हेल्दी ऑल दीज रेसिपीज विल बी इंक्लूडेड। उसके अलावा फूल गोभी भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें इफ यू लाइक इट, और बीटरूट भी लोग यूज़ करते हैं कलर के लिए, सो दैट ऑल्सो यू कैन ऐड इन दैट, एंड लॉट्स ऑफ बटर यू कैन ऐड इट। सो आई हैव जस्ट एडेड लिटिल बिट, सो यू कैन इंजॉय विद दैट। पाव भाजी मसाला तो वैसे ही हमारा आधा काम कर ही लेता है, और अगर आप पाव भाजी मसाला नहीं डाल रहे हो तो आप उसमें जिंजर का यूज़ कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो टेस्ट लाइक दैट ओनली। सो आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड यू विल इंजॉय विद दिस रेसिपी। एंड अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जस्ट टेस्ट इट एंड गिव मी द कमेंट्स। थैंक यू। भाजी बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक कटे हुए 2 टेबल स्पून, 1/2 कप मटर, 1/2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, 3 हरी मिर्च चॉप्ड की हुई बारीक काटी हुई, 3 उबले हुए आलू, 6 टमाटर की ग्रेवी ली है, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून बटर और 1 बड़ा अनियन चॉप किया है। और मसालों के लिए जीरा, राई, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, और जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें राई डालेंगे। राई क्रैकल होने लग चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, अदरक और लहसुन काटे हुए हम इसमें डालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन लिटिल बिट हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट बाद अब हम इसमें ऑनियंस डालेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये हमने कैप्सिकम ली है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम, और कैप्सिकम को भी हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर एकदम अच्छा इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो एकदम अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें मटर डालेंगे। अब फ्रोजन मटर ये मैंने यहाँ पर लिए है, आप चाहो तो फ्रेश मटर भी ले सकते हो। ये हमने टमाटो प्यूरी ली है और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना सुंदर सा कलर दिख रहा है इसका। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास जितना पानी ऐड किया है, आप चाहो तो और भी यूज कर सकते हो इसमें पानी, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स ग्रेवी, आप कितनी थिकनेस चाहते हो उसके हिसाब से। अब इसमें बॉईल आ चुका है, ये बॉईल हो चुकी है एकदम अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पोटैटोज डाल देंगे बॉइल्ड, और इसको एकदम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैशर की सहायता से हम इसको एकदम अच्छे से मैश करेंगे। इसे क्या होता है, जितनी और भी सब्जियां होती हैं वो भी एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती है।
देखिए, और पूरा इसका जो टेस्ट है एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अगर हम मैशर का यूज़ ना करें पाव भाजी में तो हमारी पाव भाजी भी अधूरी सी लगती है। सो डेफिनेटली हमको ये तो यूज़ करना ही है। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए लुक सो डिलीशियस। इसको 2 मिनट तक और पकने देंगे, उसके बाद ये हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया इसमें। अब हम इसमें 2 मिनट बाद बटर ऐड करेंगे, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, आप चाहो तो और भी बटर डाल सकते हो इसमें, बट मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना बटर डाला है। और कलर के लिए हम यहाँ पर बीटरूट भी यूज कर सकते हैं, तो इससे क्या थोड़ा रेडिश कलर आता है। देखिए हमारी भाजी तैयार हो चुकी है, स्विच ऑफ दिस फ्लेम। आप कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं इस पर। अब हम पाव गरम कर लेंगे, इसके लिए मैंने पाव लिए हैं, उसको बीच में से मैंने कट कर दिया और उस पर बटर लगा दिया है। तवा गरम हो जाए तो हम इसको पहले घी से या बटर से ग्रीस कर लेंगे और उसको पाव को अच्छे से सेक लेंगे। मुझे थोड़ा ब्राउनिश अच्छा लगता है, ब्राउनिश कलर जो पाव के ऊपर रहता है, सो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा देर पकाया है, या ऊपरी भाग जो है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा देर पकाया है। और अगर आप चाहते हो कि ये मुझे ब्राउन कलर नहीं चाहिए तो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, जस्ट थोड़ा सा गर्म कर सकते हो, बट आई लाइक दैट ब्राउनिश कलर, इट लुक्स लाइक अ चॉकलेट, सो आई जस्ट लव दैट। और थोड़ा क्रिस्पनेस भी आ जाता है, ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। सो विल रिमूव इट जस्ट लाइक दैट, अनदर वन ऑल्सो, उसी प्रोसेस से हम ये दूसरा भी कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आता है इसका जब गर्म करते हैं उसको। ये देखिए हमारी डिलीशियस पाव भाजी तैयार हो चुकी है। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।